हेलो एवरी वैन एंड अकीन वेलकम बैक टू माई चैनल आपके लिए एक मोस्ट अमेजिंग क्लास आ गई है जिसमें आपको लेटेस्ट जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है सी सी एस का वो बताने वाली हो कम्प्लीट पेपर डिस्कस करूँगी तो इस वीडियो को पूरा देखना आप लोग क्या करते हो स्किप कर देते हो तो फिर आपकी बहुत इंफॉर्मेशन रह जाती है तो ऐसा नहीं करना है इस वीडियो को आपको कम्प्लीट देखना है अगर पेपर को समझना है इसके साथ एक बेस्ट ऑफर आपके साथ शेयर कर देती हूँ पी डब्ल्यू का नाम आपने सुना ही होगा ये बहुत अच्छे से इनके सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएंगे नेट सी एस आई आर का नीट का आई आई टी का ठीक अभी उन्होंने न्यू लॉन्च किया है जो कि है सी एस आई आर के लिए आप सबका जो फ्यूचर है वो सी एस आई आर है ठीक है क्योंकि हम सबको आगे बढ़ना है तो हम सी एस आई आर की प्रिपरेशन करेंगे और उसके लिए पी डब्ल्यू से बेटर कुछ भी नहीं हो सकता पी डब्ल्यू एक ऐसा प्लेस है आपको जहाँ पर बहुत इजीली आपको क्लासेस मिल जाएंगी और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में इनका जो एम है वो है हर गांव के हर बच्चे तक एजुकेशन जानी चाहिए सेम जिस फंडे पे मैं काम करती हूँ उस पर ये बहुत बड़े तरीके से काम करते हैं और मुझसे बहुत आगे हैं तो मैं खुद चाहती हूँ कि मैं इनकी तरह ही एक दिन इतना इनका टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट भी हो पाऊँ तो इनका एक स्पेशल ऑफ़र आया है जो कि है सी एस आई आर के लिए ठीक है इनके प्राइस आपको पहले से पता है बहुत ज़्यादा कम होते हैं और सी एस आई आर का प्राइस इतना कम तो आपको कहीं भी देखने के लिए मिलेगा नहीं मिलेगा सिर्फ टू ट्रिपल नाइन में आप सी एस आई आर का कोर्स बैच जो है यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो ये आपका लाइफ साइंस मैथमेटिक्स फिज़िक्स केमिस्ट्री यानी कि सभी सब्जेक्ट के लिए आपको इजीली मिल जाएगा ठीक है इसका जो नॉर्मल प्राइस है वो है थ्री ट्रिपल नाइन बट इन्होंने अभी डिस्काउंट स्टार्ट किया हुआ है क्योंकि वो कोर्स उन्होंने अभी लॉन्च किया है तो टू ट्रिपल नाइन में मिल जाएगा और अगर आपको और भी डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकती हो सैम थ्री हंड्रेड यहाँ पर फ्लैश है लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी तो प्लीज़ गो एंड चेकआउट जरूर करना अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर पर 2023 का ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है जो आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा मुझे भी एक स्टूडेंट ने शेयर किया है तो सबसे पहले थैंक यू उन्हें जिन्होंने शेयर किया है ठीक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है आपको पता है सेक्शन ए आपका लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस का होता है तो सेक्शन सॉरी वेरी शॉर्ट का होता है सेक्शन ए में आपसे मोस्टली वो क्वेश्चन पूछे गए हैं जो मैंने आपको कराए थे अगर आपके पेपर नहीं हुए तो मेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस को देखो प्लेलिस्ट देखो आपको इजीली वो मिल जाएंगी ठीक है सेक्शन ए वेरी शॉर्ट का होता है एज आई टोल्ड यू तो आपको कंप्लीट क्लास वॉच करनी है आप लोग क्या करते हो कि स्टार्टिंग की क्लास देखी बाकी की क्लास नहीं देखते हो फिर आपको वो समझ नहीं आता तो आपको नहीं करना है जो सेक्शन ए होता है उसमें आपके फाइव क्वेश्चन होते हैं ठीक है थीके? और उसमें से आपको कोई भी तीन क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं यानी कि थ्री क्वेश्चन ही आपको अटैम्प्ट करने हैं फॉर एग्जाम्पल आप देखो डी दे पाई पी पाई बॉन्डिंग से है ठीक है सिमेट्री से क्वेश्चन है देन ट्रांस इफेक्ट से क्वेश्चन है एंड लास्ट वन इज लेंथ गिव राइज टू वेरी शार्प बॉन्ड इन बॉन्ड इन अ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ठीक है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा से क्वेश्चन है इसमें से सिर्फ थ्री क्वेश्चन करने हैं ठीक है और ये सभी क्वेश्चन आपको मेरी क्लासेस में भी मिल जाए तो अगर आपने नहीं देखा है आप रेगुलर नहीं हो तो प्लीज़ देखो मैं भी फ्री में आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रही हूँ क्लासेस नोट्स प्रोवाइड कराती हूँ वो उतना आपको कहीं भी नहीं मिलेगा और अब आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो तो अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है तो उसके रिगार्डिंग कुछ भी आपको पर्सनल डॉक करनी है कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछने हैं तो आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लेना ठीक है देन यहाँ पे एक और क्वेश्चन है दैट इज द रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज फॉर डैश इज़ वेरी स्लो वाई ठीक है तो इसमें से आप फाइव क्वेश्चन है थ्री क्वेश्चन कोई भी अटैम्प्ट करो अब इसमें आपको लिखना कितना होता है तो जितना क्वेश्चन में पूछा हुआ है आधा पेज का या आधे से थोड़ा ज़्यादा पेज का सिर्फ इतना लिखना है ठीक है उससे ज़्यादा ये नहीं है कि आपको पेज भरना है वेरी शॉर्ट में आपको पेज नहीं भरना अब आप देख सकते हो मैं आपको कितनी इंफॉर्मेटिव वीडियो दे रही हूँ पेपर डिस्कस कर रही हूँ लिखना क्या है वो भी डिस्कस कर रही हूँ ठीक है अब आ जाता है सेक्शन बी जो कि होता है शॉर्ट टाइप का ठीक है इसमें देखो वॉज डायग्राम से क्वेश्चन पूछा हुआ है कराया हुआ है आपको देन आपकी जो पॉइंट ग्रुप्स होते हैं ये मैंने आपको ग्रुप थ्योरी में कराया हुआ है पॉइंट ग्रुप वहाँ से देख लेना नहीं करा नहीं किया है आपने तो आपको सिर्फ टॉपिक सर्च करने हैं जब आप टॉपिक सर्च करोगे तो आपको ईजीली क्लासेस मिल जाएंगी देन एस ओ टू पी एच थ्री है ना एंडसाइक्लोप्रोपिन के पॉइंट ग्रुप शेयर करने हैं नेक्स्ट वन इज़ वट आर द मेन सोर्स ऑफ टी एच आर हाउ इज़ द टी एच सॉरी टी एच हाउ इज़ द टी एच एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट्स सोर्स नेक्स्ट इज मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ठीक है ये जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग्स है थ्योरी से ही है ये तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर रखी है अब उससे ज़्यादा मैं आपको कहाँ कहाँ शेयर करूँ आप सिर्फ देखो आपको तो सिर्फ सर्च करना है और क्लास देखनी है आपको सब इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज निकी कॉम्प्लेक्सेस आर ऑब्जर्व टू एंटीग्रोज ठीक है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन मच मोर फास्टर दैन प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स अगर आपने ये सब्सिट्यूशन रिएक्शन का क्वेश्चन देखा है आप इसे इजिली कर लोगे देन यहाँ पे देखो हाइड्रोलाइसिस ऑफ चीलिड कार्बोनेट कॉम्प्लेक्सिस ऑफ कोपाल ठीक है ये हाइड्रोलाइसिस से पूछा है एसिड हाइड्रोलाइसिस एंड बीस हाइड्रोलाइसिस दोनों मैंने आपको कराई थी वहाँ से डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के इस तरह से पूछ लिया है अब आपने वो करा है उसके एग्जाम्पल्स करें तो आपको पता होगी ठीक नेक्स्ट वन इज द हाइड्रोक्साइड आयन इज मोस्ट मोर स्ट्रांगर दैन एनज थ्री अगर आपको इनका सॉल्यूशन चाहिए तो वो सॉल्यूशन भी मैं जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करूँगी ठीक है तो वो भी आप बेफिक्र रहो आपको क्लासेस मिलेंगी देन है बैंड रूल पे अगेन क्वेश्चन पूछ लिया डी पाई पी पाई बॉन्डिंग में वहाँ से पूछा था बैंट रूल से यहाँ पूछ लिया अब आप देख सकते हो एक ही चैप्टर की वेरी शॉर्ट जो इंपॉर्टेंट थे उसमें दो से तीन दोनों क्वेश्चन इसमें पूछ लिए ऐसे ही आपका भी पेपर आएगा एम का पेपर कुछ अलग तरीके से बन के नहीं आता सभी का सेम आता है आप सिर्फ थोड़ा सा वर्क करो थोड़ा सा वर्क करो ठीक है देन लेंथ एंड नाइट से देखो दो क्वेश्चन पूछ लिए लेंथ ए नाइट कॉन्ट्रेक्शन ठीक है एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ लेंथेनाइट्स देन है कि डिस्कस इन डिटेल्स जनरल केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ कैरेक्टर टेबल्स अब इसमें से आपको जो क्वेश्चन अच्छे से आते हो आपको वो क्वेश्चन अटैप्ट करने हैं अब यहाँ पे पॉइंट आ जाते हैं पेजेस कितने लिखने हैं शॉर्ट में आपको टू ए टू, टू एंड हाफ पेजेस लिखना है ठीक है वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है क्वेश्चन में कितना आपसे पूछा गया है देन आ जाता है आपका लॉन्ग आंसर ठीक है लॉन्ग में क्या करना है आपको कोई भी दो क्वेश्चन करने हैं ठीक है थीके? फोर क्वेश्चन दिए हुए हैं सिर्फ जो आपको दो बहुत अच्छे से आते हो जिसमें आपको लगता है आप पाँच से सात पेज भर सकते हो आपको वो क्वेश्चन लेना है कि आपके पास इतना मटेरियल है आपको इतना याद है तो आप वहाँ से कर सकते हो ठीक है एक क्वेश्चन पंद्रह नंबर का होता है तो आप देख सकते हो कि ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है प्लस पेपर को अटैम्प्ट करने का सही तरीका क्या है वो भी मैंने डिस्कस किया हुआ है आपने अब तक क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ गो एंड चेकआउट अब देखो यहाँ पे सेपरेशन मेथड से पूछ लिया है ना आइसोटोप से कराया हुआ है यूरेनियम का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्टेनाइट्स कराई हुई है और वेस्पर थ्योरी और <coughs> या इनकी ज्योमेट्री वेस्पर थ्योरी तो आप भूल जाओ मैंने आपको इतने अच्छे से करा रखा है कि जिन्होंने मेरी क्लास देखी उन्हें फिंगर टिप्स पर वेस्पर थ्योरी याद हो गई ठीक देन एक्टेनाइट्स से क्वेश्चन अगेन पूछ लिया और गल सॉरी मोलिकुलर जो ऑर्बिटल थ्योरी है उसके डायग्राम से अगेन क्वेश्चन पूछ लिया बट ये क्या किस में पूछा है टेटाहाइटल कॉम्प्लेक्स में ठीक है यहाँ तक कोई डाउट इस पेपर को देख के कोई आपका डाउट भी है तो कमेंट करना आपको हमेशा की तरह रिप्लाई जरूर मिलेगा ठीक है यहाँ तक क्लियर सभी का क्लियर होगा कोई डाउट तो नहीं होगा किसी को भी राइट अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे पेजेस का याद रखो एक्स्ट्रा नहीं लिखना मिनिमम फोर टू फाइव पेजेस मैक्सिमम सेवन पेजेस तक आप जा सकते हो ठीक है देन है लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थॉरी अब आप पूछ देख सकते हो जो सेक्शन सी है इसमें एक में तीन क्वेश्चन पूछ लिया आपसे अब आपको तीनों करने हैं है ना अब आप वो सेक्शन चुनो कि देखो ऑर्गल मोलिकुलर डायग्राम भी पूछ लिया एक्टिनाइट्स भी पूछ लिया क्रिस्टल फील्ड भी पूछ लिया अब आपको वो सेक्शन सेलेक्ट करना है जिसमें आपको लगता है कम से कम आपको दो तो बहुत अच्छे से आते हैं और तीसरा फिर भी कम आता है चल जाएगा तीनों को जोड़ के छः से सात पेज का पेपर कर देना आंसर कर देना बस हो गया इतना ही करना है आपको उससे ज़्यादा दो कुछ नहीं करना ठीक है फिर भी पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है इसके लिए बहुत अच्छी क्लास बनाई हुई है अब तक नहीं देखी तो चेकआउट करो वहाँ पे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स सभी डिटेल शेयर किए हैं तो पेजेस का ध्यान रखना है कॉपी को कैसे लिख रहे हो वो ध्यान रखना है वो टिप्स एंड ट्रिक्स अलग हैं बट यहाँ पे ये यह बता रही लो कि कितने कितने पेजेस में कौन सा आंसर लिखना है देन न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन से पूछ लिया स्क्वायर प्लानर में फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स अलग से क्लास है इन पर अलग अलग क्लास है आपने नहीं देखी तो मैं यार उसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ मेरा मन है मेरी कोशिश है आपके लिए हर एक टॉपिक को फ्रीम आपको प्रोवाइड कराने की और वो मैं करती हूँ ठीक है एलिमेंट सिमेट्री से, से क्वेश्चन पूछ लिया चीलेट इफेक्ट से पूछ लिया ठीक है अब इससे ज़्यादा क्या होगा मुझे नहीं पता इससे ज़्यादा इसी पेपर क्या आएगा क्योंकि सारा पेपर मेरा कराया हुआ था और जिन्होंने मुझसे पढ़ा है उन्हें पता होगी कि यस मैम आपका कराया हुआ था तो थैंक यू सो मच यहाँ तक इस क्लास को देखने के लिए चैनल को सपोर्ट करने के लिए बाय बाय